दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी तादाद हमारे छोटे दुकानदारों और छोटे इंडस्ट्रीज की, हमारे यहाँ पर हमारे पूरे देश के अंदर जो बिजली का फिक्स चार्ज है वो हाईएस्ट है पूरे देश में। कहीं पर भी फिक्स चार्जेस हमारे दिल्ली जितने नहीं है, आप हैरान हो जाएंगे, इतने फिक्स चार्जेस हमारे नॉन डोमेस्टिक हीटर्स के ऊपर है। अब जब ये सारे के सारे दुकानें छोटी बंद है, अब जब ये सारी इंडस्ट्री छोटी बंद है, तो फिर ये फिक्स चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर क्यों ये लोग दें? आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे राजस्थान और पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स चार्जेस जो इंडस्ट्रियल और नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन है उसको ऑलरेडी डिफर कर दिया है। तो मैं केजरीवाल साहब से ये हाथ जोड़ करके दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो एकदम से सबसे पहले जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो हमारे छोटे उद्योग हैं, वो सब लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी जब फैक्ट्रीज नहीं छोटी चल रही, उनके जो घर के जो डोमेस्टिक उन्होंने हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज लगाई हुई है वो नहीं चल रही, छोटे दुकान नहीं चल रहे, तो उन लोगों को बिजली का बिल उनका जब आएगा तो वो कहाँ से देंगे? और उसके अंदर बिजली के बिल के अंदर जो नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल बिजली के बिल हैं उसके अंदर फिक्स चार्जेस बहुत एनॉर्मसली हाई रेट है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि इसको एकदम से इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, जैसे हमारे पंजाब और राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। और मैं साथ में इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा, ये भी बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी इससे पहले पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, हमारी हर एक गवर्नमेंट दिल्ली से तीन तीन गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है, किसानों को देती है, दूसरे और सेगमेंट को देती है। तो ये दिल्ली को ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही सब्सिडी पहले देता था, दिल्ली से तीन गुना ज्यादा दूसरी और स्टेट देती है। लेकिन आज के समय में जरूरत उन लोगों को मदद करने की है जो छोटे दुकानदार हैं, जो हमारे छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं, जो नॉन डोमेस्टिक, अब जो हमारे गेस्ट हाउसेस हैं, गेस्ट हाउसेस सारे खाली हो गए हैं, तो वो सब लोगों को क्यों बिजली का बिल उनका आए? और बिजली जब इस्तेमाल नहीं हो रही तो सिर्फ फिक्स चार्जेस के बेसिस पे क्यों हो?